नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जा रहा है, जहां इंग्लैंड की पहली पारी 369 रनों पर समाप्त हुई थी। वहीं वेस्टइंडीज की पहली पारी काफी हिचकोले खा रही है। जी हां, वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही थी। ब्रॉड और आर्चर ने जल्दी जल्दी दो विकेट निकालकर वेस्टइंडीज को तगड़ा झटका दे दिया था। इसके बाद जेम्स एंडरसन भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी जल्दी ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे शाई होप को एक शानदार गेंद पर आउट कर वापस पवेलियन भेज दिया। आपको बता दें, पारी के 24वें ओवर में जेम्स एंडरसन ने शाई होप का विकेट निकाला। पारी के दूसरे ओवर की गेंद काफी शानदार थी। ये गेंद इतनी शानदार थी जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। अगर आप गेंद को एक नजर में देखेंगे तो ऐसा लगता है जेम्स एंडरसन इन स्विंगिंग डिलीवरी डाल रहे हैं। गेंद काफी तेजी से अंदर की ओर आती हुई नजर आती है, लेकिन पड़ने के बाद गेंद काफी तेजी से बाहर की ओर निकल जाती है और शाई होप पूरी तरीके से गच्चा खा जाते हैं। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती है और विकेटों के पीछे जॉस बटलर एक आसान सा कैच लपक कर उनकी पारी का अंत कर देते हैं। शाई होप इस पूरी टेस्ट सीरीज के दौरान आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं और तीसरे मुकाबले में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने 64 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली, जिसमें सिर्फ दो चौके लगा पाए। आपको बता दें, वेस्टइंडीज टीम का पहला विकेट 1 रन पर, दूसरा विकेट 44 रन पर, वहीं तीसरा विकेट 58 रन के स्कोर पर गिरा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।